आज की क्या नई खबरें हैं? खबर शामिल करते हैं हमीरपुर खास से। ब्यूरो चीफ बीएनएन न्यूज़ शाहिद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी हमीरपुर खास की जानिब से जदीद तर्ज तालीम से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका अफ्तताह मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद ने किया। मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी में मुनाकिदा सेमिनार में 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसका अफ्तताह प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद ने किया, जिसके बाद उन्होंने दीगर फैकल्टी मेंबरान के हमराह लगाए गए स्टालों का दौरा किया, जहां जदीद तरीके से फिजियोथेरेपी के जरिए होने वाले इलाज के मुतालिक मॉडल पेश किए गए और खेलों के दौरान होने वाली इंजरी से मुतालिक आगाही और इसके इलाज से मुतालिक होने वाले इलाज के बारे में मॉडल बनाकर आगाही फराहम की गई। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद का कहना था कि तमाम तलबा तालिबात को इस सेमिनार से यह साबित कर दिया है कि फिजियोथेरेपी किसी भी शोबे से कम नहीं है। उन्होंने भरपूर मेहनत करके कामयाब अमल करवाने पर डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हैदर अली पहलवानी और डायरेक्टर फिजियोथेरेपी डॉक्टर रमजाना चांग को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि आइंदा साल दीगर कॉलेजेस को शामिल करके मीरपुर खास में एक कौमी सतह का सेमिनार मुनाकिद करवाया जाएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे बीएनएन न्यूज़।